जब संध्या चल रही है सभी मंच पर पहुंचे सभी युवा संगठित जो है उनको शुभकामना देना चाहता हूँ व्यायामशाला के द्वारा, और जो भी हमारे लायक सेवा होगी हम इसको आगे बढ़ाएंगे। शंकर जी सभी मंच गोपाल जी साहब मुकेश जी कल्याण राजीव जी छापरवा विकास जी कल्याण आप सभी से भी निवेदन है कि साथ में हमारे आदरणीय कपिल जी राठौर, आदरणीय वसीता जी, कन्हैयालाल जी खटी, आप सभी मंच पर विराजमान अतिथियों का तस्वीर एवं विशाल जी साहू, कपिल जी राठौर, आप जो मंच पर कार्यकर्ता हैं आप ही से निवेदन है, और जो नीचे खड़े हैं आप ही पहुंचे जल्दी से। आदरणीय वसीता साहब के भी और कन्हैयालाल जी भी साहब का भी इसी प्रकार से समर्थन है। आज जो हरिद्वार युवा संगठन किया है उदयपुर में, मैंने कहा था आज जो युवाओं में जोश है अपने भजन संध्या को लेके, आगे को लेके, सनातन धर्म को लेके, यही जो संघ है ये अपनी सरकार को लेके आएगा। आप जिस तरीके से 8 साल में काम किया है, आज जो अपना युवा है समझने लग गया है, आज भजन संध्या में जो भीड़ बढ़ने लग गई है, जिस तरीके माता मातृशक्ति हो गई, युवा शक्ति हो गई, जिस तरीके आने लग गई है, तो ये संदेश है कि अपने देश में अभी जो युवा है वो अपने वापस सनातन धर्म की तरफ जाने लग गया है, और सनातन धर्म को समझ लग गया है कि भजन संध्या में कितने की वो कितने राह आने लग गया है, और जो युवा शक्ति युवा सेवा संगठन ने जिस तरह कार्यक्रम किया है इसके लिए मैं सबको साधुवाद करता हूँ। जिस तरह कार्यक्रम कर रहे हैं, इस तरह के युवा को जोड़े हैं, मातृशक्ति जुड़े हैं, और सब अपने जुड़ के अपने ऐसे कार्यक्रम को सनातन धर्म के जो कार्यक्रम है जिसमें इतने भजन संध्या होती है, वहाँ ज्यादा युवा जुड़े हैं, ज्यादा युवा आके देखे। आज का जो आयोजन हो रहा है उसमें प्रशासन भी भागीदारी निभाने लगा, कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है? या पीछे की ओर देखो भागीदारी कैसी बात है, मेरा मानना है कि जिस तरीके से पहले लोगों को इतना वो नहीं होता था, आज के टाइम में युवा हो गया, मातृशक्ति हो गई, हर चीज जब संध्या चलती है जागृत हो गए, अपने सनातन धर्म के प्रति जागृत हो गए, लोगों लगने लगे नहीं अपना धर्म है, अपने धर्म में ये भजन संध्या वगैरह जो है जितने गीत है उस तरह पे युवा मातृशक्ति आज सारे सारे जो है ना अपने हिंदू धर्म के प्रति सनातन धर्म के प्रति बहुत भावुक हो गए, और उसका नजरिया देखिए जो भीड़ आती है आज भजन संध्याओं में उसका नजरिया यही है कि अपने लोग जागरूक हो चुके हैं। हम देख रहे हैं गांव में भी भजन संध्या का जो क्रेड बढ़ रहा है, गांव में भी भजन संध्या आयोजित होने लगी और बड़े स्तर पर होने लगी, क्या ये भजन संध्या भी एक रोजगार बन के उभर रहा है आपके लिए? नहीं, मैं इसको रोजगार नहीं मान सकता हूँ, ये एक भावना है, ये अपनी एक भावना है जो अपने सनातन धर्म के प्रति जो जागरूक हुए हैं वो एक भावना है, इसको अपन रोजगार में नहीं ले सकते, ये भावना है जो भावना व्यक्त करने के लिए आज युवा का बना है, भजन सुन रहा है, मजे ले रहा है। पहले अपन देखते थे दूसरे तरीके की संध्या होती थी, वहाँ लोग आते थे, आप भजन संध्याओं में जिस तरीके लोग उमड़ने लगे तो उनको पता लग गया कि अपने धर्म के प्रति गाने हैं, आज अपन सुनते हैं लावणी होती है, माता जी की लावणी होती है, भजन होते हैं, सब लोग भजन होते हैं, लोगों को उसमें आनंद आने लगता है, तो ये जागरूकता जो है वो अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जी। आज प्रतिभावान गायकों को मौका मिला है, बिल्कुल मिला है, नकाजी हो गए, भगवती सुतार हो गए, वाजी हो गए, बहुत से नाम है जिनसे जिनके गीत बहुत फेमस हुए हैं। आज महाराणा प्रताप ने जो गाना है, महाराणा जो प्रकाश जी मालिक गाते हैं, राज्य होते हैं, उसके भारतवर्ष में, तो हाँ बिल्कुल इनको भी पहचान मिलती है, तो ये अपने लिए तो बहुत अच्छी चीज है कि आज इससे अपने जो भजन गाय है उनको भी पहचान मिल रही है, और मैं इसको रोजगार में लेता हूँ, ये भावना है पहचाना जाता है। ये पूरे कायजु के लिए क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे हर युवा संगठन को इतने भगवती सुतार